सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक एडजस्टेबल इमरजेंसी लाइट। इसके बनाने के लिए गाइस मैंने पुराने एलईडी बल्ब का यूज़ किया और जिसे मैंने इसके अंदर के कंपोनेंट्स को बाहर निकाल लिया है। तो आपको भी कुछ इस टाइप से कंपोनेंट्स को बाहर निकाल लेना है। और गाइस मैंने इसके अंदर एक यहाँ पे होल किया है जिसके अंदर हम लोग एक माइक्रो यूएसबी सॉकेट को लगा सके जिससे हम इस वाले एलईडी बल्ब को चार्ज कर सके। गाइस इसके नीचे के हैंडल को बनाने के लिए मैंने लाइट फिटिंग वाली पाइप का यूज़ किया जिसकी लंबाई गाइस 6.5 सेंटीमीटर, और मैंने यहाँ पे एक पीवीसी शीट का पीस कट किया जिसे हमने इसके नीचे लगा दिया है। तो गाइस पाइप को एक साइड से मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है जिससे हम इस एलईडी बल्ब के पीछे आसानी से लगा लें। तो गाइस अभी आपको मार्कर लेना और इसकी हेल्प से आपको एलईडी बल्ब के ऊपर एक होल कर लेना है जिसके अंदर हम लोग ये वाला एक रोटरी स्विच लगा देंगे जिससे हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो गाइस मैंने इसको चलाने के लिए यहाँ पे एक लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया और इस वाली बैटरी को आपको एलईडी बल्ब के अंदर डाल लेना है। तो गाइस मैंने रोटरी स्विच के ऊपर भी दो वायर्स को कनेक्ट कर लिया है। और गाइस आपको अभी इस वाले स्विच को जो हमने होल बनाया था उसके अंदर एकदम बढ़िया तरीके से स्क्रू की हेल्प से आपको इसके अंदर टाइट कर देना है। तो गाइस अभी आपको लेना है ये वाला 4 वोल्ट है कॉब लाइट, और इसके नीचे गाइस ये जो एलईडी बल्ब के अंदर हीट सिंक निकला था उसको भी आपको लगा देना है। तो गाइस इसको लगाने के लिए मैं यहाँ पे स्क्रू की हेल्प से इसके अंदर लगा रहा हूँ, बट गाइस स्क्रू इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो आपको क्या है कि किसी भी नुकीली चीज़ के हेल्प से आपको इसके होल को बड़ा करना होगा और इस वाले स्क्रू को एकदम बढ़िया तरीके से टाइट करके कस देना होगा। तो गाइस इसकी बैटरी को चार्जिंग करने के लिए मैं यहाँ पे TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल का यूज़ कर रहा हूँ। ये आपको किसी भी लोकल मार्केट के ऊपर 30 से 40 रुपए के अंदर एकदम आसानी से मिल जाएगा। तो गाइस इसका पूरा सर्किट डायग्राम मैं वीडियो के बीच के अंदर दूंगा आपको, तो वहाँ से आप देख के इसके कनेक्शन कर लेना, बिल्कुल ही ईजी है गाइस। और गाइस आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग। तो गाइज इसके कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। तो गाइज अभी ये देख सकते हो गाइज हम जैसे ही इसके स्विच को घुमा रहे हैं तो हमारा ब्राइटनेस इसका तेज हो रहा है। तो गाइज अभी आपको क्या करना है कि इसको पूरे के पूरे को इसके अंदर डाल के एकदम बढ़िया तरीके से फिक्स कर लेना है एकदम, और इसको आपको ऊपर से चिपका लेना है। तो गाइज मैंने यहाँ पे इसको बढ़िया तरीके से ऊपर लगा लिया। तो गाइज अभी आपको इसके डिफ्यूज़र था उसको भी इसके ऊपर लगा लेना है, और गाइस फेविक्विक की हेल्प से आपको एकदम बढ़िया तरीके से इसको चिपका देना है जिससे ये हमारा निकले नहीं। तो गाइस अभी आपको पीछे वाला जो हमने पाइप का पीस कट किया था उसको भी आपको इसके ऊपर लगाना है और फेविक्विक की हेल्प से आपको फिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स अभी हमारी ये वाली लाइट बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। तो गाइस अभी मैं आपको इसकी टेस्टिंग भी करके दिखा देता हूँ, बट सबसे पहले आपको इसको मैं चार्जिंग पे लगा के दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसे ही हम इसके अंदर चार्जिंग सॉकेट लगाते हैं तो यहाँ पे हमारी एक रेड कलर की एलईडी ग्लो करना शुरू कर देती है, और वो ये फुल चार्ज हो जाएगी तो ये गाइस ब्लू कलर की जलने लगेगी। तो गाइस इसका ब्राइटनेस लगभग एक 8 वाट का जो हमारा एलईडी बल्ब होता है उसके बराबर हो जाने वाला है। तो मैं इसकी आपको अंधेरे के अंदर भी टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ कि इसका कितना ज़्यादा रोशनी है। तो गाइस मैंने यहाँ पे लाइटिंग को बंद कर लिया है और अभी आप देख सकते हो इसका ब्राइटनेस कितना ज़्यादा, हम जैसे जैसे इसका बढ़ा रहे हैं तो इसका ब्राइटनेस गाइस काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं आपको इसका ब्राइटनेस आउटडोर के अंदर भी दिखाने वाला हूँ कि इसका रोशनी कितना ज़्यादा है। गाइस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करो, और गाइस अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में किसी, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।